नो नीलिमा, नॉट डन. कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि तुम्हारे भाई के हाथ में बहुत ही मैसिव मशीन आ गया. मॉन्स्टर है भाई, उड़ रहा है देखो. इतनी खूबसूरत थार, क्या बात है भाई, क्या बात है. ओ, ये तो अपनी लग रही है. और मैं इधर हूं तो चला कौन रहा है. ओ माय गॉड, चोरी तो नहीं हो रही. ओहो, ये तो अपना भाई सैम है, राइडिंग विद पीस. बोले तो राइड विद पीस है वैसे चैनल का नाम, बट मैं बोल देता हूँ राइडिंग विद पीस. बट मैन, लुक एट द क्रोम वर्क मैन. ओहो, व्हाट अ कलर. क्या कह रहे हो, हमें तो अच्छा नहीं लगा था. कोई बात नहीं भाई, फ्यूचर में आपको ब्लैक कलर की थार मिलेगी, ये पक्की बात है. बट फिलहाल यार बड़ी कंजेस्टेड सी ये जगह है. ये है जे ब्लॉक मार्केट साकेत की, क्योंकि ये हमारा जो भाई है ना वो आसपास रहता है. और इसको पता था यहाँ पे एक नियर बाय 24/7 है जहाँ से हमें केक पिक करना है. केक इसलिए लेना है क्योंकि हमारा एक और भाई है सैम, है ना, आपको पता है सैम द थार. तो जो उसकी थार है ना, आज उसको एक साल पूरा हो गया. उसने अपनी गाड़ी का नाम रखा है काड़ू, जैसे हमारी बाइक का नाम है नीलिमा और उसकी बाइक का नाम है काड़ू. तो काड़ू का आज हमें बर्थडे मनाना है और उसको सरप्राइज देना है. तो हमने उसको बोला तू थ्रॉटल पहुँच जा, क्योंकि वहाँ पे एक लोकेशन है, वहाँ पे हम थोड़ा शूट भी कर सकते हैं रुक के आराम से. एंड हम दोनों यहाँ से निकले हैं क्योंकि मेरे को बूसा में कुछ काम है, दिलजीत पाजी के पास इसको छोड़ना है. बिकॉज अगले बड़े रोड ट्रिप की हम कर रहे हैं तैयारी. क्या कह रहे हो, नॉर्थ ईस्ट आ रहे हो क्या? अरे नहीं, अभी प्लान कर रहे हैं. बट आप लोग कमेंट करके बता देना भाई, मेरा दिल है तवांग जाने का. तो आपको लगता है कि ये सीजन सही है नॉर्थ ईस्ट को ट्रैवल करने के लिए, तो ज़रूर से बता देना. सुबह ऐसा है 24/7 तो नहीं मिला, बट फिर भी एक शॉप मिल गई जहाँ से केक मिल गया. तो मैंने दो केक ले लिए हैं, अब दूसरा क्यों वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. सब लोग मेरे को देख रहे हैं. शिट, नो नीलिमा, नॉट डन. पेट्रोल पंप पे बेइज्जती हो गई भाई, धक्का लगाना पड़ेगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं. शिट, आई रियली डोंट नो गाइस व्हाट जस्ट हैपेंड. पेट्रोल पंप पे रुका था पेट्रोल डलाने के लिए और बाइक बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है. चलो अच्छा, अभी रोड ट्रिप की शुरुआत नहीं हुई थी, ये प्रॉब्लम दिल्ली में ही सामने आ गई है. धक्का लगाऊं क्या? अच्छा, अभी तक कोई जानने वाला नहीं मिला है. अरे प्रभु, ओहो नहीं हो रहा भाई. धक्का लगाता हूँ सेकंड गियर थर्ड गियर में डाल के, ठीक है, जोर से 1-2-1-2-1-2-1-2. शिट, अब तो यहाँ रुकना पड़ेगा और किसी को बुलाना पड़ेगा हेल्प के लिए. कहाँ रह गया भैया? वही अभी 2 मिनट दिखा रहा हूँ, वो जंगल वाले एरिया में है ना जो लास्ट टाइम शूट किया था. हाँ जल्दी आ जा भाई, इंतजार हो रहे हैं यहाँ. क्या बात है, मौका ही फोन कर लिए. क्या करने वाले हो, कोई रशियन वशियन बुला रखी है क्या? रशियन? हाँ तो आ तो सही बेटे. इसे नहीं पता हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. बाय द वे, जो इंदर भाई है ना, इनको अभी हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं. इनको गाड़ी लेनी है और जहाँ से मैंने ली थी कार्स 24 से, तो वहाँ जाने का विचार है क्योंकि थ्रॉटल के बिल्कुल पास में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है. 10 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में. वहाँ पे स्टॉक एक बार चेकआउट करते हैं और उसके बाद कुछ डिटेल में आपके साथ भी शेयर करता हूँ. बट पहले सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से केक स्पीड देगी तुमने, वो तेरे उड़ा देगा ये उड़ा देगा. बवाल, इतनी एक्साइटमेंट. हैप्पी बर्थडे टू काड़ू, हैप्पी बर्थडे टू फटाफट से. तो भाई ऐसा है, देखो सैम हमारे पास दो हैं, तो कंफ्यूजन ना हो आपको बता देता हूँ. एक तो काड़ू का बर्थडे जो उधर वाला सैम है, सैम दहिया. दूसरा है राइडिंग विद पीस, उसका कल बर्थडे था तो उसको नहीं पता. हम सैम है, उसके लिए भी एक केक लेके आए हैं. तो मैंने अभी उसको बोला कि यहाँ से केक उठा के वहाँ पे रख, इतने में काड़ू. मेरा काड़ू. 1 साल हो गया इसका फर्स्ट बर्थडे.
कितनी चला दी है तूने बयालीस हजार चला चुका एक साल में चलो भाई लेट्स डू द ऑनर्स बुजुर्ग को काटो कैमरा मैन जल्दी फोकस करो Many girlfriends to many girlfriends to you. Me bhi bol ke dikhao. Many more super bikes to me. Yes, bhaiya. Na 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 na. जो गाड़ी के पीछे छुपा रखी थी उसको तो खिलाना रहे उसके बारे में तो भूल गया भाई जल्दी बाहर निकलो कैमरे पे फोकस करो ऑफ कैमरा है सही। तो भाई अभी एक ऑफर भी मिला है मेरे को वीडियो खत्म होने से पहले बताऊंगा बट फिलहाल ऐसा है आपको पता है सारी इन्वेंटरी नीचे है तो यहाँ पे हमने देख ली दिखा दी अब इनको लेके नीचे चल रहे हैं हम लोग खुफिया रास्ते से खुफिया रास्ता उधर से जाता है बड़ी कॉम्प्लेक्स ना देखने लायक है एक बार जल्दी से फ्री हो जाते हैं उसके बाद थोड़ा घूमेंगे भी और कहीं पे बैठ के बढ़िया से खाएंगे भी बर्थडे पार्टी तो लेनी है केक तो हमारी तरफ से पिज्जा तो इसकी तरफ से होगा कबाब बिरयानी बिरयानी वाला मुंह में पानी आ गया भाई पानी आ गया समझा रहे तय खाने में जहाँ पे खजाना खड़ा है बिल्कुल तो दिस इज हाउ योर शॉपिंग एक्सपीरियंस इज है ना अभी विंडो शॉपिंग हो रही है बट डेफिनेटली दिस इज एक्सपीरियंस यू शुड ऑल्सो डू एंड यू कैन रिलाय ऑन कार्स 24 रीजन आपको बताइए मैंने गाड़ी ली वो भी प्री ओन्ड लेते ही लद्दाख करा है और अभी तक क्या चल रही है मतलब कहीं भी एक रुपए की कमी नहीं है जबकि सैम की थार अभी एक साल पुरानी है उसमें भी कमी है इमेजिन रीजन जब आप यहाँ से गाड़ी लेते हो ना 140 से ज्यादा ये लोग चेक करते हैं ऊपर से मनी बैक मतलब नहीं समझ आई तो नो क्वेश्चन आस्क 7 दिन के अंदर ही आपको आपके पैसे वापस मिल सकते हैं और उसके बाद भी 1 साल की वारंटी मिलती है सो ये सारी गाड़ी देख रहे हो सब सेल पे हैं इतना बड़ा वेयर हाउस आपको कहीं नहीं मिलेगा दिल्ली में और ऐसी बहुत सारी लोकेशन हैं देखो भाई नहीं ये सारी गाड़ियाँ सेल पे हैं अरे बाप रे यस खजाना 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 तो मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में दिखाया था इसीलिए भाई अभी मैंने यहाँ पे खजाना है एक कारण हमने हमने अपना प्यार दिखाया इनको इन्होंने भी प्यार दिखाया हमारी ऑडियंस के लिए तो एक ऑफर है बताता हूँ आराम से सबको बहुत खुशी होगी आप अगर खुद भी गाड़ी नहीं ले रहे तो शेयर कर सकते हो इस चीज़ को फॉर्च्यूनर के लिए मेरे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है जब मैं छोटा था ना ग्रो अप हो रहा था तो भाई इस गाड़ी का जो टोरा था ना मतलब आज भी है और तब भी था पुराना वाला मॉडल भी जो था जब आया था ना भाई लोगों का दिमाग खराब हो गए थे ऐसी सेल हो गई थी पूछो नहीं आज भी वाइट में गाड़ी एक नंबर लगती है बट हमारी दुविधा ये है कि घर पे हम 2 बंदे हैं और चलाने वाले हैं 4 तो बाकी सारी गाड़ियां हम लेंगे तो वो हो जाएंगी बेकार है ना बट क्या रिव्यू अभी क्या होगा क्या रिव्यू है ये बताओ कैसा लगा ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छी लगी ये कार अब मैंने अपने ये शॉर्टलिस्ट कर लिया है ये मेरी पहली कार है जो मैंने शॉर्टलिस्ट करी है कार्स 24 से जैसन बाजी ने मुझे ये सजेशन एंड रिकमेंडेशन देखो आपको भी दे देंगे अपना एक्सपीरियंस बढ़िया रहा इसीलिए दोबारा से बोल रहा हूँ मैंने बात करी है आपको भी यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा आपने खुद गाड़ी नहीं लेनी तो रिश्तेदार के साथ में वीडियो शेयर कर देना बट एडवांटेजेस सबको बराबर में बांटेंगे सबसे पहले तो अशोरिटी है माइंडसेट में अशोरिटी है कि भैया आपको गाड़ी यहाँ से बढ़िया मिलेगी आप किसी डीलर से लेने से अच्छा अगर कार्स 24 से लेते हो वो भी प्री ओन्ड कार तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं अशोरिटी मिलती है मेंटल पीस मिलता है अच्छी डील्स मिलती हैं और अभी क्या है अमेजोन पे जैसे हम चीज़ें खरीदते हैं वैसा आसान है अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो फिल्टर कर सकते हो आपको ये गाड़ी चाहिए इतनी माइलेज होनी चाहिए उसके अंदर में इतने किलोमीटर होने चाहिए फर्स्ट ऑनर सेकंड ऑनर कौन से कलर में होनी चाहिए तो बहुत इजी है फिल्टर करके आप अपनी गाड़ी चूज़ कर सकते हो
उसके बाद में इनकी लोकेशंस पे जाके फिजिकली गाड़ी देख के तसल्ली करके आप डील कर सकते हो। एंड फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपको पता है लोग गाड़ियां लेते हैं, नई गाड़ियां भी लेते हैं, ठीक है वो भी अच्छी बात है, बट मेरा मानना है कि भैया प्रीओन गाड़ी लेके ना आप ज्यादा खेल सकते हो, क्योंकि ऐसा है ना पैसे कम टूटते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने क्रेटा ली थी 2 साल पहले लगभग 21.5 लाख रुपए की, बट अगर आज मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को मिलेंगे 16 लाख रुपए, 15.5 लाख रुपए मैंने लगवाया, रेट लगभग इतना इतना आ रहा है। सो आप देखोगे तो डेप्रिशिएट हो जाएगा 2 साल में लगभग 6 लाख रुपए। वेयर एज अगर आप एक प्री ओन गाड़ी लोगे ना, 6 महीने चलाओ, 1 साल चलाओ, उसके बाद पता कितना डेप्रिशिएट होगी, हार्डली 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। सो इमेजिन करो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, नई बाइक्स के साथ भी मैंने ये चीज़ फील करी, इसलिए आजकल मैं प्रेफर कर रहा हूँ प्री ओन्ड बाइक्स लेना। तो जहाँ पे ट्रस्ट बन गया मैं वहीं से बार बार बाइक्स लेता हूँ, आपने देखा सिमिलरली यहाँ पे मेरा ट्रस्ट बन गया तो मैं भी लूंगा, दोस्तों को भी बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा। A few moments later. औरन तो चेंज हो जाएगा, ऐसा औरन कौन रखता है भैया, फॉर्चूनर के अंदर वो भी हमारी थार में ऑन, सुनो देखने वाला है मस्त एकदम। चिमची दबाओ, खींचो, भाग रही है भाई सब बिना लैग के, और दबाओ, थोड़ा खींचो, पुल, उठ रही है भाई। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि तुम्हारे भाई के हाथ में बहुत ही मैसिव मशीन आ गया, मॉन्स्टर है भाई, उड़ रहा है देखो, ओ भाई क्या टॉर्क है। अभी मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में नहीं डाला, अब मैंने डाल दिया स्पोर्ट्स मोड पे, एक बार ब्रेकिंग टेस्ट कर लेते। ब्रेक भी लग रही है भाई, ऑन डिमांड एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है, ऑन डिमांड ब्रेकिंग मिल रही है, बट यार बिल्कुल एजिंग फील नहीं हो रही, गाड़ी बहुत अच्छी भाग रही है, टच वुड एसी वीसी सब बढ़िया चल रहा है, आई रियली लव दिस एक्सपीरियंस। और एक चीज और है इंदर भाई, अगर पैसे पूरे ना हो तो फाइनेंस भी करते हैं कार 24 वाले, एंड आप फटाफट से यू टर्न मार लेते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और आपको ये बता देते हैं फर्स्ट 25 कस्टमर जो मेरी रेफरेंस से आएंगे उनको मिलेगा 10,000 रुपए डिस्काउंट, फर्स्ट 100 कस्टमर्स अवेल कर सकते हैं फ्री डिटेलिंग ऑफ देयर कार, जो भी यहां से परचेज करेंगे उन्हें फ्री डिटेलिंग मिलेगी, साथ में उनका जो आरसी ट्रांसफर है उसका भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, एंड फर्स्ट 300 कस्टमर्स को भी यहां पे मैट्स मिलेंगे। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा है, चेकआउट करना, एक फॉर्म है, फॉर्म फिल कर लेना, उसके बाद ही आना कार 24 पे, सो दैट आप ये जो सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको गिनवाया ना इसको अवेल कर सको। बट दिल मेरा आ चुका भाई इस गाड़ी पे, आपने लेनी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे को बता देना, मेरे तो चेकलिस्ट में। आई रियली विश अब पहले घर खरीदता हूँ, ऐसा कुछ बड़ी सी बिल्डिंग जिसके नीचे पार्किंग हो, और उसके बाद भाई मेरे को भी फॉर्च्यूनर रखनी है, मैं तो फैन हो गया थोड़ी सी चलाने के बाद ही। तो एक चीज मैं हेट कर रहा हूँ ना इस गाड़ी का, वो है हॉर्न, सुनो जरा, अबे कौन हटेगा ऐसा सुन के भाई। आ गया मुंह में पानी, क्या भाई खाना आ चुका है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू यार, ऐसे तुम बड़े बड़े बनाया करो, बहुत दिन के बाद हमें KFC खाने को मिल रहा है, वो भी पूरा बकेट फुल है, एंड बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें, बहुत सारे भाई लोग मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी ना हमें जानते थे, और हमें कुछ प्रिविलेजेस मिल गए हैं, कैमरा में नहीं बता सकते। नाउ चीयर्स टू लाइफ, लेट्स हैव सम गुड फूड, क्योंकि अपना हो चुका है गुड मूड। ये देखो बाइक में ऐसे ऑन लगा रखे हैं, फॉर्च्यूनर में कैसे ऑन लगे हुए थे देखने वाली बात है, बहुत ही गंदा ऑन था, बट फिलहाल ऐसा है हम लोग वापस आ चुके हैं, सैम को हमने मिस किया पार्टी में, उस सैम की पार्टी में इस सैम को हमने बहुत मिस किया, मैंने नीलिमा में काम करवाया, नीलिमा में काम चालू था। और अभी वैसे एक मेजर अपडेट है दोस्तों आपके साथ, मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ वीडियो क्लोज करने से पहले, कि बाइक के साथ पे खाते खाते एक ही टेबल पे कुछ ऐसे प्लान बन गए हैं जिससे मतलब सोच के ना ऐसे खून खोल उठा है, एनर्जी आ चुकी है, रोड ट्रिप हो सकता है, उसके चक्कर में बूसा मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका बैटरी चेक होना है, क्योंकि आज इसने धोखा दिया था, बैटरी बंद हो गया तो भैया रोड ट्रिप पे बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, टायर नए डल चुके हैं बट आगे के ब्रेक पैड जाने वाले हैं, तो मैंने दलजीत पाजी को बोल दिया कि कल उनको भी सोर्स कर लेना, यहीं पे डल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इसको पाथ पेवर लेके जाना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक और बार रिमाइंड करा देता हूँ, इसको भी बता देता हूँ भाई, तेरे किसी भी रिश्तेदार को अगर गाड़ी लेनी हो, क्योंकि अभी चल रहे हैं शराद, शराद के बाद आएंगे नराते, और उस समय धड़ल्ले से लोग ना गाड़ियाँ लेते हैं ना, सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी हो तो मेरे कूपन से, मेरे रेफरेंस से उनको मिलेंगे 10,000 रुपये डिस्काउंट, इनिशियल 25 लोगों को, और बाकी के जो 100 लोग होंगे ना उनको फ्री में RC ट्रांसफर भी और गाड़ी की डिटेलिंग भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। तो भाई ये मौका बिल्कुल मत छोड़ना, बढ़ चढ़ के वीडियो को शेयर करना, ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाना, अभी के लिए बस इतना ही, अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेहनत हमारी रहमत उसकी, प्यार आप सभी का, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेएसएन विद टीम जेएसएन एंड दिस ब्यूटीफुल हार्ले जिसको मैं चलाऊंगा किसी और दिन और बनाऊंगा मोटो व्लॉग, बाय बाय।